अभिनंदन। दोस्तों आज हम उस समस्या पर फोकस करने वाले हैं जिस समस्या से मुझे लगता है हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति पीड़ित है, अर्थात मोटापा के। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, मोटापा एक ऐसी समस्या है कि आपके पूरे प्रश्न है कि बैंड बजा देता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि फिर आपके आउटफिट्स अच्छे नहीं रहते, कपड़े भी आपको अच्छे नहीं दिखते हैं और आप मोटे होते जाते हैं। मोटापा सिर्फ दिखने मात्र की बात नहीं कि आपका लुक खराब होता है, मोटापा से दोस्तों फिर आपको खूब सारी बीमारियां लगना शुरू हो जाती है, फिर मोटापा आता है, फिर बीपी बढ़ना शुरू होता है, फिर डायबिटीज हो जाता है, फिर कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है, इनडाइजेशन, फिर आर्थराइटिस, फिर बीपी, फिर शुगर, लाइन लग जाती है बीमारियों की। तो चाहते हैं अगर मोटापा खत्म करना तो आज ऐसी चीज दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि अगर उसका सेवन आपने शुरू कर दिया और कुछ एक्सरसाइजेस अगर आपने कर लिया तो मोटापा दोस्तों जैसे मोम पिघलता है ना, ऐसे मोम की जैसे आपका पूरा मोटापा फटाफट फटाफट पिघल जाएगा, गारंटी। तो मोम की जैसे पूरा मोटापा पिघलाना चाहते हैं दोस्तों, सही अपनी चर्बी खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल स्लिम ट्रिम फिट एंड फाइन स्लिम पर्सनैलिटी चाहते, एक नंबर जबरदस्त पर्सनैलिटी चाहते दोस्तों, वीडियो अंत तक आप सभी को देखना है। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ, लास्ट 22 साल से मेरा वजन 60 किलो फिक्स है, 60 केजी, और 120 ईयर जीने का मेरा सपना है, मेरी ख्वाहिश है, मैं अपने आप को 120 साल तक स्वस्थ रखने का कमिटमेंट हूं। दोस्तों आज जो नुस्खा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इस नुस्खे से मेरे पास हजारों मेरे नेचुरोपैथी कोर्सेज से जुड़े हुए हैं और उनका यह अनुभव है दोस्तों, 30-30, 40-40 किलो वजन लोगों ने खत्म कर दिया। हमारे कोर्सेज से जुड़े हुए लोग जिनका 110 किलो 120 किलो वजन था, बहुत ही फिट एंड फाइन लाइफ जी रहे दोस्तों, तो वो आज सारे टिप्स मैं आप सभी को देने वाला हूं। टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन पेंसिल लेकर बैठिए, एक चीज नोट करते हुए चलते हैं। तो क्या ऐसी चीज है जिससे मोम की तरह हमारा पूरा फैट पिघल सकता है? लेकिन एक बात समझ लीजिए, फैट आता कहां से है? अगर खाना खा के आप तुरंत सोने की आदत डाल देंगे तो फैट आएगा। अगर आप ज्यादा पसीना नहीं बहाएंगे, सिर्फ एसी में बैठे रहेंगे या बैठक का आपका काम है, तो आपका फैट 110% बढ़ेगा। ट्रांस फैट अगर आप सेवन कर रहे हैं, ज्यादा तली हुई चीजें अगर आप खा रहे हैं, इससे भी आपका फैट, आपका वजन बढ़ता है। घरगुती जो तेल मसाला का उपयोग दोस्तों अगर आप ज्यादा करते हैं, इससे भी आपका फैट इंक्रीज होता है। कुछ लोगों को दोस्तों ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि थायराइड की समस्या हो जाए, इससे भी वजन बढ़ जाता है। बीपी की समस्या भी, उससे भी वजन बढ़ सकता है। इनडाइजेशन से वजन बढ़ता है। जो लोग पैकेट बंद चीजें ज्यादा खाते हैं, कोको कोला पेप्सी वगैरह इस तरीके का, अंडा पिज्जा बर्गर, तो फिर उनका वजन तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ना है। कुछ लोगों को ज्यादा कुछ कुछ देर में खाने की आदत रहती है। ये जो ओवर ईटिंग की समस्या है, स्वादेंद्रिय पर जिनका नियंत्रण नहीं है, उनका तो वेट बढ़ेगा, उनका तो वजन बढ़ना ही बढ़ना, फिर कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन दोस्तों अगर आज आप मेरी बात सुन लिया, ये खान पान की सारी चीजें अगर आपने इंक्लूड कर लिया, ये मेरा वादा है दोस्तों कि आपका वजन ऐसा फटाफट चमत्कार पिघलता जाएगा, आपको लेकर वाव फीलिंग आएगी आपको। सो दोस्तों बहुत ध्यान से एक एक चीज बता रहा हूं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जिससे ये फैट बढ़ता है, ये सारी चीजें जो मैंने बताया, इसको अपने लाइफ से खत्म करें। पैकेट बंद फूड आपको नहीं खाना है, ज्यादा तेल मसाला की चीजें नहीं खाना है, तली भुनी चीजें नहीं खाना है। ये चीजें थोड़ा सा खाना भी है तो कैसे खाना, मैं आगे भी आपको बताने वाला हूं। खाना है तो कैसे खाना है, उसका तरीका, उसका प्रोसीजर है। सबसे पहले दोस्तों अगर सही में पिघलाना चाहते हैं, अपने शरीर की सारी चर्बी आप जड़ से पिघल जाए अगर आप चाहते हैं, तो आपको दोस्तों गोमूत्र अर्क लेना है। गोमूत्र अर्क 40-60 ml आप सभी को लेना है और गर्म पानी लेना है, एक ग्लास गुनगुना, थोड़ा सा कड़क गर्म पानी, लेकिन आप पी सके इतना गर्म होना चाहिए। तो एक ग्लास पानी में 40 ml आपको लेना है गोमूत्र अर्क। देसी गाय का गोमूत्र अर्क दोस्तों मिलता है, मार्केट में उपलब्ध है, पतंजलि में भी मिलता है और बाकी जगह भी मिलता है, आप वहां से ले सकते हैं। सिर्फ ये बात याद रखें दोस्तों कि जो अगर आप खुद गाय से मूत्र निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, उसका सेवन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि गर्भवती गाय का गोमूत्र ना लें। जो गाय अभी जस्ट बछड़ा जनी है, उसका भी आप मूत्र का सेवन नहीं करेंगे, बाकी आप गोमूत्र अर्घ जो मिलता है आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो 40 ml लेना है, एक ग्लास गुनगुने पानी उसको मिलाना है, और गोमूत्र अर्घ के साथ दोस्तों इसमें त्रिफला चूर्ण और गुगुल के कैप्सूल, उसके टैबलेट्स आते हैं, तो त्रिफला चूर्ण और गुगुल का कैप्सूल 250 mg का आप ले सकते हैं। अगर ज्यादा वजन है तो 500 mg तक का आप ले सकते हैं, उसको उसी में मिक्स कर देना है, और ये आपको एक डोज सुबह और एक डोज शाम को लेना शुरू करना है। फिर देखिए दोस्तों आपकी चर्बी पेटी कैसे पिघलना शुरू हो जाएगी। ये हो गया दोस्तों सबसे पहला और पावरफुल नुस्खा। दूसरा दोस्तों आपको करना है क्या, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम जीरा और 50 ग्राम मेथी, ये पांचों चीजों को मिक्स करना है आपस में और मिक्स करके इसे रख देना है। और इसको क्या करना है दोस्तों, सारा चीज मिला के रखिए, इसका 2 चम्मच मिक्स आप सभी को लेना है। काली मिर्च आप चाहें तो उसमें 25 ग्राम कर सकते हैं, ज्यादा जिनको पेट में जिनको पित्त ज्यादा बड़ा होगा तो काली मिर्च 25 ग्राम कर दीजिए, बाकी इंग्रेडिएंट 50-50 ग्राम। तो इसको पूरा मिला के रखिए, इसका 2 चम्मच मिक्स 1 ग्लास पानी में रात को भिगो दीजिए और सुबह उठकर इसे खा लीजिए चबा चबा के, और इसका पानी भी पी जाइए।
फिर देखिए दोस्तों चमत्कारिक रूप से आपका वजन जो है कम होगा, पूरी आपकी जो चर्बी है पिघलना शुरू हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म रेशो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जितने बैड कोलेस्ट्रॉल वो खत्म होंगे, चर्बी बर्न होगी दोस्तों, और बहुत बढ़िया आपको स्वास्थ्य मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा दोस्तों, सुबह गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ कर पीना शुरू कर दीजिए। जब आप नींबू का सेवन करते हैं, मेटाबॉलिज्म रेशो भी बढ़ता है और जो फैट डिपॉजिट्स हैं वो भी खत्म होते हैं। और जब दोस्तों आप ये सारा चीजें करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे इससे आपका पेट भी साफ होगा। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि सर, जैसे पूछता हूं मैं कि भाई आपका पेट साफ होता है क्या, हां बोलते सर हमारा पेट साफ हो जाता है। पेट साफ होने का मतलब ये नहीं कि आप लैट्रिन खो गए, पेट साफ होने का मतलब है कि पूरा 100% जो आपने खाया था वो सब बाहर निकल जाना। लेकिन जो हम खाते हैं दोस्तों, हमारी जो 22 से लेकर 24 फीट लंबी आंत है वहां से होता हुआ खाना गुजरता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पेट साफ नहीं होता और कुछ चीजें डिपॉजिट्स वहां पर बसते जाते हैं, तो वही दोस्तों बाद में सड़न पैदा करते हैं और बहुत ज्यादा फैट के रूप में चर्बी आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अब इसके लिए करना क्या है आप सभी को, इसके लिए दोस्तों बाउल सिस्टम में आप सभी को खाना खाना है। कैसे बाउल सिस्टम को यूज करना है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो आपकी मनपसंद चीज है उसको छोटी छोटी कटोरी में ले लीजिए, छोटी छोटी कटोरी में जो भी मनपसंद चीजें, अगर आपको चटपटा सब्जी पसंद है, कोई तिल मसाले की चीजें पसंद है तो छोटी छोटी बाउल्स लीजिए, उसमें वो मनपसंद चीजें ले लीजिए। और 2-4 बड़े बाउल्स लीजिए, 2-3 उसमें सलाद लेना है, सलाद आपको बाउल्स में भरना है, 2-3 बाउल्स में, 2 बाउल्स में बढ़िया सलाद, और सलाद जो लेंगे वो मल्टीपल कलर्स होने चाहिए। और पहले पूरा सलाद खा लीजिए और मनपसंद चीजें सामने देखते रहिए, छोटी छोटी कटोरी में रखा है उसको भी खाना है। तो सलाद से पेट आप सभी को भर लेना है, उसके बाद अपनी मनपसंद चीजें जो भी आपको भजिया पकौड़ी सारी चीजें पसंद है, छोटे 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 बाउल में आप रखा है आप उसे खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। या उसके बाद आप दाल चावल सब्जी रोटी भी नॉर्मल फूड नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं। तो अगर दोस्तों इन सारे ये जो नुस्खे हैं अगर इसका पालन करते हैं तो चमत्कारिक रूप से आपका देखेंगे वेट कम होना शुरू हो जाएगा। और एक कैप्सूल बता रहा हूं, वजन कम करना, ये चमत्कारिक कैप्सूल दोस्तों लीजिए और आपका वजन मोम की तरह पिघल जाएगा, आप बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे। और इस कैप्सूल का नाम है 11 नंबर का कैप्सूल, बिल्कुल 11 नंबर का कैप्सूल है, कहां मिलेगा 11 नंबर का, कहीं नहीं, आपके घर में उपलब्ध है 11 नंबर का कैप्सूल। अर्थात ये 2 पांव है हमारे में, ये 11 नंबर है। बस वॉक करना है 5 से 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की वॉकिंग आप शुरू कर दीजिए दोस्तों, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा बहुत ही चमत्कारी रूप से। या आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो जंपिंग, फुल जंपिंग करें, पूरी फुल हाथ की जंपिंग अगर आप करते हैं घर में ही, और जंपिंग काउंट करके करें, पहले 30 बार करें, फिर 40 बार, फिर 50 बार, फिर 100 बार, फिर 150 बार, फिर 200 बार, फिर 300, 500 और 700, 800 तक जंपिंग लेकर जाओ पूरे बॉडी का। ये जो गाल के नीचे जो चर्बी रहती है ये सब पिघल जाएगी, थाइस की चर्बी, हाथों की चर्बी, पेट की चर्बी, बगल की चर्बी, पूरी चर्बी आपकी पिघलना शुरू हो जाएगी अगर आप ये करते हैं। नहीं कुछ कर सकते दोस्तों तो सीढ़ी चढ़ना उतरना शुरू कर दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। अगर आपके घर में सीढ़ी है तो आप 30-40 बार सीढ़ी पर चढ़ो फर्स्ट फ्लोर और नीचे आओ, चढ़ो नीचे आओ, चढ़ो नीचे आओ, इससे भी भरपूर एनर्जी दोस्तों आप सभी की बर्न हो जाएगी। तो ये सारे नुस्खे दोस्तों बहुत ही पावरफुल है, अगर आप इसे करेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका मोटापा कम हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम आप सभी को करना है, भरपूर नींद लीजिए, बढ़िया आपको सोना है, पानी भरपूर पीना है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको दिन में 5 से 6 बार यूरिन जाना पड़े, इतना पानी आप सभी को पीना है अगर मोटापा कम करना है। कोशिश करें कि गुनगुना पानी ही पिए दिन भर तो और बेहतर रहेगा, जल्दी वजन आपका इससे कम होगा। कपालभाति प्राणायाम सभी को करना है और थोड़ी देर मेडिटेट अपने आप को करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, घर में पत्नी बच्चों के साथ ताली मार के हंसे खूब खेलें और अपने लाइफ को एंजॉयमेंट के साथ प्रसन्नता के साथ जीना है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में जाते हैं तो आपकी बॉडी के केमिकल चेंज हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म रेशो जो है वो सब बिगड़ जाता है, इनडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है और आपके शरीर में खूब सारे फैट्स डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो तनाव किसी प्रकार का दोस्तों लेना नहीं है। मेरे चैनल में बहुत सारा और दोस्तों मेरे वीडियोस हैं जो चर्बी को कैसे कम करना, फैट्स को कैसे कम करना, स्ट्रेस को कैसे खत्म करना, वो वीडियोस भी चैनल में है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस लिंक को क्लिक करना है और उस सारे वीडियो को देख लेना है। खाना कब खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसे भी दोस्तों देख सके। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके जीवन में जरूर दोस्तों बदलाव लाएगा, आपके लाइफ को चेंज करेगा। बातें पसंद आई हो तो लाइक के बटन प्लीज एक लाइक तो बनता है प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। हो सकता है आपकी वजह से किसी का वजन कम हो जाए, किसी की फोटो अच्छी आने लगे, उसका लाइफ अच्छा हो जाए, तो आपको सोचिए कितना थैंक यू देगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब की बटन जरूर दबा दीजिए और बेल आइकॉन घंटी को जरूर प्रेस कर दे दोस्तों, ताकि जब मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ, नए ज्ञान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।
है।